हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम NRC, CAB और CAA क्या है इसको हम आसान भाषा में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, आखिर में इससे रिलेटेड क्यों इतना दंगा और फसाद हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जो अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि CAB और CAA और NRC का फुल फॉर्म क्या है। CAB का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। इसके बाद हम जानते हैं कि बिल और एक्ट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। कोई भी कानून बनने से पहले उसको राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है। जब तक वो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाता है तब तक उसे बोला जाता है बिल। जब वो बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसी बिल को बोला जाता है एक्ट यानी कि कानून, तब वो बन जाता है देश का कानून। अब हम बात करते हैं कि CAB क्या है। तो हमारे यहाँ एक कानून था नागरिकता से रिलेटेड जो कि 1955 का कानून था। इसी कानून में कुछ मॉडिफाई किया गया है, कुछ संशोधन किया गया है जिसको बोला गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि नागरिकता संशोधन बिल, जिसे 9 दिसंबर 2019 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। तो आपको याद रखना है जो नागरिकता से रिलेटेड 1955 का कानून था इसमें मॉडिफाई करने के लिए, इसको कुछ ऐड करने के लिए एक संशोधन लाया गया जिसको बोला गया नागरिकता संशोधन बिल। किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कब? 9 दिसंबर 2019 को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। अब हम जान लेते हैं कि CAA क्या है। जो नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जो लोकसभा से पास हो गया 9 दिसंबर 2019 को, उसके बाद राज्यसभा से पास हो गया 11 दिसंबर 2019 को, उसके बाद ये गया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास, उन्होंने इस पर जब हस्ताक्षर कर दी तब ये बन गया CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। अब हम जान लेते हैं कि जो संशोधन हुआ है नागरिकता संशोधन, इसका उद्देश्य था उसका क्या था, इसका कारण क्या था, इसको क्यों किया गया। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इन सब पर धार्मिक अत्याचार हो रहे थे, उन पर प्रताड़ना की जा रही थी। तो वहाँ से जो लोग भागकर भारत में शरणार्थी के तौर पर आए थे उनको नागरिकता देने के लिए एक बिल लाया गया जिसको बोला गया नागरिकता संशोधन बिल 2019, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में भाग कर आए उनको नागरिकता देने की बात कही गई। अब हम जान लेते हैं कि NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स क्या है। तो ये एक भारतीय नागरिकों के लिए के नाम का एक रजिस्टर है जिसे बांग्लादेशी घुसपैठी की पहचान करने के लिए असम राज्य में अपडेट किया गया था, यानी कि NRC को असम राज्य में लागू किया गया था। क्योंकि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें एक नया देश उभर कर आया जिसका नाम हुआ बांग्लादेश। तो 1971 में बांग्लादेश से जब बांग्लादेश बन रहा था तो वहाँ से बहुत से लोग पलायन करके भारत के विभिन्न राज्यों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंटर कर गए, वो भी इलीगली यानी कि गैर संवैधानिक तरीके से। तो उन्हीं लोगों को पहचान कर जो 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से मेनली आए थे उनको पहचान कर भारत से निकाला जाएगा, जिसे बोला जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, यानी कि इसी इन्हीं के लोगों के लिए NRC है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 25 मार्च 1971 से पहले जो असम के नागरिक थे या फिर भारत के पूर्वज थे उन पर NRC लागू नहीं होगा। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का उद्देश्य क्या है। तो अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश से बहुत सारे लोग पलायन करके भारत में इंटर कर गए इलीगली, खासकर असम राज्य में। अब उनको भारत से निकालने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिस रजिस्टर के तहत जो बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको पहचान कर भारत से बाहर निकाला जाएगा, जिनको बोला जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिए। और इतना ही नहीं, असम राज्य के जो मूल नागरिक हैं उनका दावा है कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो बहुत सारा अत्याचार कर रहे हैं लोकल लोगों पर, क्योंकि जो बांग्लादेश से
भागकर भारत में असम राज्य में आए, उनकी अब असम राज्य में मेजॉरिटी हो गई है और असम राज्य के जो मूल नागरिक हैं उनकी वहाँ पर माइनॉरिटी हो गई है। इसके वजह से जो असम राज्य के मूल नागरिक हैं उनके अधिकार छिन रहे हैं, उनका कल्चर समाप्त हो रहा है, उनकी भाषा समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, जो 2011 का सेंसस आया था उस सेंसस के अनुसार असम राज्य में असम बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, जबकि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश से कितने से ज़्यादा लोग भागकर असम राज्य में आए हुए हैं। जो NRC लाया गया ये सिर्फ और सिर्फ असम राज्य में लाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार लाया गया, ऐसे नहीं किसी सरकार के कहने पर नहीं लाया गया। NRC के तहत जो असम राज्य में बांग्लादेश से लोग भाग कर आए हैं इलीगल इमिग्रेंट, उनको निकालना है, जबकि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पूरे देश में लागू किया गया है, चार राज्यों को छोड़कर। चार राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CAA भारत के किस राज्यों में लागू नहीं होगा, तो उत्तर होगा चार राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में। लेकिन जो NRC अभी सिर्फ और सिर्फ असम राज्य में ही लागू है। अब हम जान लेते हैं कि NRC और CA में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो NRC का मूल मतलब है भारत में जो घुसने वाले विदेशी नागरिक हैं उनकी नागरिकता को छीनना, जबकि CAA का मतलब है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में आए हैं उनको नागरिकता देना। NRC के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो कि 24 मार्च 1971 या फिर उससे पहले भारत के नागरिक थे, क्योंकि बांग्लादेश जो है 1971 में बना था, उसी समय बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में भागकर आए थे। लेकिन CA का मतलब है जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भाग कर भारत में आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनको नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर NRC का मतलब कोई धर्म से संबंधित नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो, अगर बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट आया है, किसी भी धर्म का है, तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन CAA में बोला गया है अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आया है और उसको धर्म के आधार पर वहाँ प्रताड़ित किया गया है, तो उसको CAA के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा। NRC का मूल उद्देश्य जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको भारत से निकालना, जबकि CAA का मूल उद्देश्य जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक के समुदाय आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना। अब हम जितना कुछ भी डिस्कस किए हैं उनको हम MCQ फॉर्मेट में देख लेते हैं। CAA का पूरा नाम क्या है? तो CAA का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है CAB का पूरा नाम क्या है? तो CAB का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अगला क्वेश्चन है NRC का पूरा नाम क्या है? तो NRC का पूरा नाम है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले NRC भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले भारत के असम राज्य में NRC लागू किया गया था। NRC के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो कि 24 मार्च 1971 से पहले भारत के नागरिक थे, यानी कि हम आप सभी लोग जो नागरिक हैं भारत के नागरिक हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1971 के पहले से ही यहाँ के नागरिक हैं, तो हम आप सभी को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश से, बांग्लादेश युद्ध के दौरान 1971 के बाद भारत में इलीगली तरीके से इंटर किए, उनको इस NRC के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, अब उनको यहाँ से निकाला जाएगा। तो आप हम सभी को ध्यान रखना है, आप या हम किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के हों, हम लोगों से NRC का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हों, कोई मतलब नहीं है। NRC जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से जो लोग 1971 के बाद भारत में इलीगली इमिग्रेंट के तौर पर आए उनको पहचाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पूरे देश में कौन सा नया कानून लागू किया गया? तो हाल ही में भारत में नया कानून लागू किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन कानून। अगला क्वेश्चन है नागरिक संशोधन, जो नागरिकता संशोधन कानून जो है ये क्यों किया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया उनको भारत में नागरिकता देने के लिए संशोधन लाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किसने पेश किया? तो इसको पेश किया गया सबसे पहले 9 दिसंबर 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में कब पास हुआ? तो राज्यसभा में पास किया गया 11 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में कब पास हुआ? तो लोकसभा में पास हुआ 9 दिसंबर 2019 को, जिसको पेश किया गया भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े? तो लोकसभा में कुल पक्ष में वोट पड़े 311, जबकि राज्यसभा में पक्ष में कुल वोट पड़े 125। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के भागकर पाकिस्तान भारत में आए हैं शरणार्थी के तौर पर, उनको नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो टोटल 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें 6 समुदाय में शामिल हैं हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जैन और सिख। तो हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जैन और सिख समुदाय के जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत में शरणार्थी के तौर पर आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कितने राज्यों में लागू नहीं होगा? तो ये टोटल भारत के 4 राज्यों में नहीं लागू होगा। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, पहला नागरिकता संशोधन विधेयक कब आया था? तो पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955, इसी में बदलाव किया गया जिसे नाम दिया गया नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सबसे पहले कब पेश किया गया? तो सबसे पहले इसको लोकसभा में पेश किया गया था 2016 में जुलाई के महीने में, लेकिन बहुमत ना होने के कारण ये 2016 में पास नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक टोटल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? तो इस अधिनियम के तहत जो 2015 का नियम था उसमें संशोधन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो जो नागरिकता संशोधन विधेयक ये लोकसभा में पास होने वाला 126 यानी कि 126 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा सरकार को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है? तो सरकार को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को कानून बनने के लिए क्या जरूरी है? तो किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को कानून बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। कौन कौन सी? वह बिल लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए तथा उस पर भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए नागरिकों को कितने समय में भारत की नागरिकता मिल जाएगी? तो इससे पहले प्रोसीजर था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से भारत में आता है तो उसको भारत में 11 वर्ष रहना होगा, 11 वर्ष रहने के बाद ही उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन इस कानून के तहत इन जो 3 देशों से भारत से आए नागरिक आए हैं इनको 5 वर्ष के अंतर्गत नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार किस तारीख से पहले आए हुए नागरिकों को नागरिकता मिल जाएगी? तो यहाँ पर बात की गई 5 वर्ष, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत को लोग आए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 से लेकर 2019 तक 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 किस प्रकार का अधिनियम है? तो ये एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात कही गई है? तो इसमें विपक्ष तथा अन्य बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है, यानी कि जो आर्टिकल 14 है वह इसको वायलेट किया गया है। लेकिन ये वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है इसको डिसाइड अब भारत का सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हम आप नहीं इसको डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप से जो जुड़े प्रावधान हैं, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीयों और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता से जुड़ा नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन है? तो ये है 2005। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला, जो कि लोकसभा सांसद हैं कोटा राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं देश दीपक वर्मा, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ था? तो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था 1950 में, जिसमें दोनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनमें उन देशों में उनके नागरिक जो अधिकार हैं उनके संरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हैं जैसे हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उनके संरक्षण के नियम में फेल हो गया। उसी लिए भारत, वहाँ से जो लोग भागकर भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, जिसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने NRC, CAB और CAA के बारे में फुल डिटेल में बात किया है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के कोई भी बताइए कि एग्ज़ाम फोरम पे इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।